नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों बहुत मीम्स बनाए थे, पप्पू फेल हो गया, पप्पू कांट डांस साला। हमने बहुत कुछ बोला पप्पू के लिए, लेकिन पप्पू पास हो गया है इस बार। ठीक है, वो गवर्नमेंट नहीं बना सकता, लेकिन जो उसने नरेटिव चलाया ये सारी पावर्स के साथ मिलकर, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या कुछ किया है, क्यों जीता है, क्या चीजें बोली गई, उसका असर क्या हुआ, और अब आ गए पप्पू क्या कुछ करेगा ये भी जानना जरूरी है। हमने ये तो देख लिया कि मोदी जी क्यों हारे, या हारे नहीं, सीटें कम क्यों आई, लेकिन पप्पू की और इनकी कबाल की इतनी सीटें कैसे आ गई ये भी समझना जरूरी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आगे का इनका प्लान क्या है। मैं कुछ चीजें हिस्ट्री से भी जोड़कर दिखाऊंगा कि इन्होंने कौन से नैरेटिव्स कैसे चलाए थे। इंदिरा गांधी के टाइम पर हमने चलाए, इन्होंने वही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि अकल नहीं है, चाइना को फॉलो करते हैं, चाइना वाले सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी का फॉर्मूला इंदिरा गांधी के टाइम पे वाला कॉपी करके हमें दे दिया, और पप्पू ने फॉलो भी किया, जीत भी गया। ये जीत ही है कि वो हमारी मेजोरिटी की गवर्नमेंट को इतना काम करने के बाद भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया। बैसाखियों पे चलानी पड़ेगी गवर्नमेंट अब, और दुनिया हंस रही है, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। अब आप देखिए, मैं शुरुआत करता हूं। जब लोकसभा की इलेक्शंस खत्म हो गए, किसी ने पूछा राहुल जी कितनी सीटें आएंगी, उन्होंने बोला 295। मूसे वाले का जो 295 था उसको याद दिलाया उसने, 290 नहीं बोला, 300 नहीं बोला, 295 बोला। रीजन क्या था? सिंबॉलिक था, ये सिंबॉलिक था AK-47 के साथ, जैसे मूसा वाला अपने आप को रिलेट करता था AK-47 के साथ। अब आग लगने जा रही है, इसीलिए 295 का आंकड़ा दिया गया। बेवकूफ नहीं है वो, क्योंकि उसे मालूम था कि कौन से वोटर को वो टच कर रहा है, किसको वो इंडिकेशन दे रहा है। और उसके बाद जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने भी सबने 295 का नारा लगाना शुरू कर दिया। क्या कोइंसिडेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1977 में जब लोकसभा की इलेक्शंस थे, तब जनता पार्टी, उन्होंने भी उखाड़ कर फेंका था, पावरफुल थी इंदिरा गांधी, इतनी पावरफुल थी कि इमरजेंसी लगाई हुई थी, अपनी मनमर्जी करती थी, इवन कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उसके अपने थे, और जनता दल ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। और इस बार इन्होंने 295 का आंकड़ा दिया, और साथ में बोल दिया ये जनता का पोल है, मोदी गोदी मीडिया का पोल नहीं है। अब 1977 के इलेक्शन में और अब में कुछ चीजें हैं जो मिलती जुलती हैं। क्या? एक तो ये है कि उस वक्त इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी, इस बार मोदी जी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, पॉपुलर भी थे। जिस तरह से इंदिरा गांधी पॉपुलर थी, अपनी पीक पर थी वो, और तब जनता दल ने सोचा था हम सब इकट्ठे होकर इसको हिला देंगे, तो राहुल गांधी ने भी सोचा हम सब इकट्ठे होकर, अगर इंदिरा गांधी हिल सकती है तो मोदी जी भी हिल सकते हैं। तो इन्होंने एक तो वो काम किया, कामयाब भी हुए। उसके बाद दूसरा, जो मोदी जी हैं, मोदी जी भी उस तरह का ही चैलेंज था जैसे कि एक प्रधानमंत्री को होता। दो बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, तीसरी बार बनने जा रहे थे। मनमोहन सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो भी दो बार प्रधानमंत्री रहने के बाद, वो तीसरी बार जब आने की कोशिश कर रहे थे नहीं आ पाए। लेकिन अगर पैरेलल देखें तो मोदी जी के पास वो सब कुछ नहीं था जो मनमोहन सिंह को फेस करना पड़ा। करप्शन थी उनके टाइम पर, रोज घोटाले निकल रहे थे, हर जगह पे गंद डाला हुआ था, कंट्री डूबने की कगार पर थी, क्योंकि मोदी जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी के टाइम पर कंट्री भी आगे बढ़ रही है, हमारी जिसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, इज्जत बढ़ी है, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई घोटाला नामो निशान नहीं है, नहीं था कुछ भी। तो इन्होंने क्रिएट किया, पूरा इकोसिस्टम जुड़ गया, कभी राफेल, कभी अदानी, कोई ना कोई इन्होंने वो चीजें क्रिएट करने की कोशिश करी ताकि लोगों के दिमाग में वो चीजें डाली जाए। कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर इन्होंने चीजें बनानी शुरू कर दी, जबकि पैसे खुद भी नहीं है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, लेकिन मोदी जी को घेर लिया। अब आप देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम पर भी ऐसे हुआ था। एक चीज और हुई थी कि इंदिरा गांधी के टाइम पर महंगाई बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, फार्मर सड़कों पे आ गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। इन चीजों को लेकर जनता दल ने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को घेरना शुरू किया, घेरना भी शुरू किया।
और अब इन्होंने भी वही मुद्दे लिए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे एक साल से, अनएम्प्लॉयमेंट का स्यापा शुरू किया इन्होंने, इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत है, उसके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ईवीएम में धांधली है, तब भी इंदिरा गांधी को बोला गया था कि तुमने इमरजेंसी लगाई है, तुमने ये सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खराब कर दिया। मोदी जी के ऊपर भी यही एलिगेशंस लगाने की कोशिश करी। आज जब इतनी सीटें जीत गए हैं तो ईवीएम का सेपा करना बंद कर दिया, लेकिन इलेक्शंस के टाइम पर और उसके बाद भी ये बोलते रहे 4 जून तक कि ईवीएम में धांधली हुई है, अभी नहीं बोलते, तब भी यही हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर भी। पॉइंट बाय पॉइंट अगर देखेंगे हर चीज मैच करती है एक दूसरे के साथ। जब इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, आज इन्होंने वही सब कुछ मोदी जी के ऊपर फेंक दिया और पूरा इकोसिस्टम एक ही लाइन में शुरू हो गया। डिक्टेटरशिप है, अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि उस वक्त डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, नॉन डिक्टेटरशिप थी। इन्होंने भी मोदी जी को, जैसे इंदिरा गांधी को डिक्टेटर बोलते थे, इनको भी डिक्टेटर और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बोलना शुरू कर दिया। पैरेलल देख रहे हैं आप? और ये अभी 295 नहीं ले पाए, लेकिन डेंट दे गए। डेंट मिला क्योंकि पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा था, फॉरेन की प्रेस, हमारे यहां की प्रेस, यहां पे सोशल मीडिया वाले, यूट्यूबर्स, इवन की जो बुद्धिजीवी जिसको बोलते हैं, एक्टिविस्ट ले लीजिए, जिनका प्रोफेशन है, धंधा है उनका दंगे करवाना, सारी जो फॉरेन की ताकतें थी उनको लगाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया और इनके दांतों को खून लग गया है। क्यों? क्योंकि इनको जीत दिख गई है उत्तर प्रदेश में, डेंट मार दिया है, इतना काम करने के बाद भी डेंट पड़ गया है वहां पर, और ये अब इसको और इंक्रीज करने वाले हैं। इसी बात की चिंता है मुझे कि राहुल गांधी एंड पार्टी अब इस चीज को कम नहीं करने देंगे, ये टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, और ये सारी दुनिया की ताकतें अब इसके साथ खड़ी हैं, मोदी जी के साथ नहीं है। और ये एक ही चीज चाहते हैं कि ये कंट्री ये तबाह हो जाए। ये तो राहुल गांधी की फैमिली का शुरू से था, इस कंट्री के टुकड़े करने हैं ताकि इसे इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, शाह बानो का केस याद है ना आपको, और सोनिया गांधी क्या कुछ करती रही है, हमें अब दोबारा से उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। और जो ये अब करने वाले हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ये सारे वो काम करेंगे जो कुछ इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, अयोध्या जीत गए, और वहां पर योगी जी इतना काम किया हो अभी लोग भूल गए हैं। और ये सिस्टमेटिकली सारे चैलेंजेस जो इंदिरा गांधी के टाइम पर थे वो क्रिएट करेंगे मोदी जी के लिए, ताकि आसानी से वो काम ना कर पाए, हर रोज खून के आंसू रोने पड़ेंगे मोदी जी को। ये राहुल गांधी अब करने वाला है, वो एक ही चीज को बार बार घुमाएगा, उसको बार बार लोगों को तंज कसेगा, और जो ये रावण हंसी करता है ना वो करेगा हर रोज। क्यों? उसका ये पैंतरा अब काम आ गया है और इसका इकोसिस्टम उसको स्पिन करेगा, क्योंकि उनको तो 15 साल से आदत है इसे बार बार रीलॉन्च करने की, और हर रीलॉन्च में एक नया ये फंडामेंटल लेके आता है, कोई ना कोई नरेटिव खड़ा करता है, और इनका इकोसिस्टम उसके ऊपर वीडियोस बनाता है और इसे बहुत बड़ा बुद्धिजीवी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये अब ये सारे लोग, राहुल गांधी एंड गैंग, ये क्या करेंगे? पहली बात तो बड़े क्लियर है, ये अब गंध डालेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स करेंगे, आग लगाएंगे किसी ना किसी बहाने पर। अब ये फार्मर्स वाला प्रोटेस्ट और बढ़ेगा, ये रोकने वाले नहीं है, ये पूरे भारत में करवाएंगे, पहले सिर्फ पंजाब में था। और इसके बाद जो ये AK-47 के स्टिकर पंजाब में लगते हैं, पूरे दिन भारत में लगेंगे मूसा वाला की फोटो के साथ, ये करने वाले हैं। ये कास्ट सिस्टम का जो इन्होंने स्यापा शुरू किया यूपी में, ये पूरे भारत में इंप्लीमेंट होगा, ये ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो कास्ट सिस्टम था उसके कारण जो जाट थे उन्होंने वोट ही नहीं करी मोदी जी को, टेस्ट मिल गया, उनके दांतों को खून लग गया है। और ये चीज बीजेपी के लिए हैंडल करनी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब फार्मर का टाइम आता है तो आप डंडे भी मार नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का जो इन्होंने हिंदुत्व का डिवाइड कर दिया, हिंदू हिंदुस को जो एक झंडे के नीचे थे,
इन्होंने एक कार्ड में पूरी कंट्री के हिंदुओं को डिवाइड कर दिया है, और इसका अल्टरनेट एक नैरेटिव मोदी जी खड़ा ही नहीं कर पाए। और हुआ क्या हुआ, ये हिंदू बढ़ गया और कट गया, मोदी जी की सीटें ही कट गई। और अब ये चीज, ये फॉल्ट लाइन ऐसी है जिसे ये स्पिन करेंगे अच्छी तरह से। कोई स्टेट इलेक्शन हो, कुछ भी हो, इन्होंने जीने नहीं देना। और अगली बार ये अभी बोलेंगे कास्ट सेंसस भी कराइए, किसकी जाति कितनी है वो हमें पता होना चाहिए, ये उसमें भी एंटर करेंगे अभी। और साथ में शाहीन बाग अब पूरे भारत में इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि एनआरसी की अब इनको लगा कि अब एनआरसी लेके नहीं आने देंगे आपको, हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ भीख मांगने के लिए काले बोरे डालकर हम लाइनों में लग जाएंगे, लेकिन अपने कागज नहीं दिखाएंगे। ये सारे ड्रामे होंगे अपने साथ। नॉर्थ साउथ का डिवाइड की बात दोबारा शुरू कर देंगे कि साउथ को अलग कंट्री बना देना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को अलग कंट्री बना दीजिए, पंजाब को खालिस्तान बना दीजिए, जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान का था ही, ये राहुल गांधी शुरू करेगा। और इसके लिए पूरा इकोसिस्टम इसके साथ है, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। और उत्तर प्रदेश में जो डेंट मारा है इसके कारण बीजेपी जो अनअपोज्ड जीत रही थी पूरे भारत में, वो रुक जाएगी। और ये हमें हंसेंगे, मोदी जी को डिफेम भी करेंगे, नाम खराब करेंगे, और साथ साथ में ये गालियां निकालेंगे ओपनली सनातनियों को। पहले तो कभी एक मंत्री ने बोल दिया, वो दो ने बोल दिया, अब 250 मंत्री हैं उनके पास, वो सारे बोलेंगे एक ही सुर में, ये गंदे हिंदू बनिए, ये कुछ सुनना पड़ेगा। ये यहीं तक नहीं है, अभी तो ये है कि जो सेंसस भी होना है अपने कंट्री का, जो पॉपुलेशन कितनी है वो 2026 में जाके काउंटिंग होनी है, ये उसे भी इतनी आसानी से करने नहीं देंगे, वहां पर भी जाति का स्यापा डाल के रखेंगे ताकि आग लगी रहे। और मुस्लिम जो है उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक ही बार बोलेंगे, ये दबाए जा रहे हैं, एक भी अब अगर बुलडोजर चलेगा तो उस चीजों को फॉरेन प्रेस में जाकर, जो फॉरेन के न्यूज चैनल्स हैं वहां पर इसे प्रमोट करेंगे, देखिए मुसलमानों को कैसे मारा जा रहा है। लेकिन जब हिंदू मरेगा, जो कि हर रोज मर रहा है यहां पर, उसे नहीं दिखाया जाएगा, सिलेक्टिव अब प्रोपेगेंडा चलाए जाएंगे। और इसके अलावा और बड़ा कुछ होगा, लैंग्वेज के बेस पर डिविजन कराई जाएंगी, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के, क्लास के, रीजन के हिसाब से। आप सोच भी नहीं सकते क्या कुछ ये करने वाले हैं ताकि यहां पर गंद पड़ा रहे, और जो फॉरेन की जो न्यूज चैनल्स हैं उन्हें पता लगेगा कि भारत जो है एक पार्ट ए है, पार्ट बी है, यानी कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। अब वो उसको चीजों को बढ़ा बढ़ा कर दिखाएंगे, और सारी दुनिया की नजरें अब भारत के ऊपर होगी। किसके लिए, जब पहले मोदी जी थे तब भारत के ऊपर नजरें थी कि तरक्की कर रहा है, अब नजरें आएंगी कि कहां कहां पे फॉल्ट लाइंस हैं, कैसे इन्हें रोका जाए। चाइना के तो मीडिया में ऑलरेडी आना शुरू कर दिया कि मोदी जी का सपना था आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, भूल जाओ, ओपनली बोला है इन्होंने, नाउ इट इज जस्ट अ ड्रीम, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और हम पप्पू के ऊपर हंसते रहे, और पप्पू आज हमारे ऊपर हंस रहा है, क्योंकि इनका एजेंडा था भारत को बर्बाद करना, इसके टुकड़े करना, कांग्रेस का शुरू से ही एजेंडा था, और ये पास हो गए उसमें। अगर ऐसे ही चलता रहा, वो पास भी हो गया है और वो डांस भी कर रहा है, जो ये फॉरेन की ताकतें हैं उसकी म्यूजिक के ऊपर ये डांस भी कर रहा है, और ये हम सबके कारण हुआ है, हमने ही उसको डांस करने की परमिशन दे दी, रास्ता दिखा दिया, दरवाजा ही खोल दिया, यानी कि किले के दरवाजे हमने अंदर से खोल दिए, क्योंकि उसने 1,00,000 रुपया प्रॉमिस किया था सारी लेडीज को, सिर्फ वो काले बोरियां वाली जो है लेडीज वही वहां पर लाइन लगाकर वोटिंग करने नहीं गई हैं, हिंदू भी गया है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और इसलिए ये जो गंदा प्लान है इनका, ये षड्यंत्र है राहुल गांधी और इसका, इसको समझना पड़ेगा। पहले भी मैं रोता रहा आपको बताने के लिए, आपने नहीं सुना, अब मैं दोबारा से बता रहा हूं ये क्या करने वाले हैं, रुकने वाले नहीं है। और आप अभी भी सोचोगे मोदी है तो मुमकिन है, वो खत्म हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है, अब राहुल के पास 26 चोर और हैं, और दुनिया की ताकतें भी उसके साथ लग गई हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इनके कार्ड नहीं चलेंगे, वो ट्राई करते रहे। और राहुल गांधी ने एक बार बोला भी था, हम इतने तीर मारते हैं मोदी जी के ऊपर, कोई लगता ही नहीं है। उन्होंने मोदी के ऊपर तीर मारना बंद कर दिया, हिंदुओं पर ही मार दिया,
वो लग गया। और देखिए आप कि हमें लगेगा कि राहुल गांधी जीता नहीं है, लेकिन उसने अपने नैरेटिव को जिता दिया। बहुत डीप लेवल तक षड्यंत्र है, बहुत कुछ इन्होंने किया है जिसके कारण ये जीत मिली है, और अब उनके हौसले देखने वाले हैं कि हम गवर्नमेंट को नहीं चलाने देंगे, ना तो पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास होने देंगे, मतलब ही नहीं है। और लोकसभा की सीट ऑलरेडी जिनकी बैसाखियों पर गवर्नमेंट चलने वाली है उन्होंने मांग लिया है, यानी कि कुछ भी पास ना हो सके, जो वो चाहेंगे वही पास होगा। अब मुसलमानों के लिए पॉलिसीज पास होंगी, हिंदू भूल जाओ, जय श्री राम के नारे अब नहीं लगने वाले। और अब होगा क्या, चाइना जैसी कंट्रीज, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज वही काम करवाएंगी जो वो मनमोहन सिंह के टाइम पे करवाते रहे, एग्रीमेंट साइन करवाने की कोशिश करेंगे, दंगे करवाएंगे, गोलियां चलवाएंगे और हिंदुओं को मरवाएंगे। और अभी भी संभल जाओ हिंदुओं, अभी भी संभल जाओ, क्योंकि मोदी जी कुछ ना कुछ करकर 272 सीटें पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बस उनके साथ बने रहना, गालियां निकालना बंद कर देना, लेकिन पप्पू का जो षड्यंत्र है वो समझना जरूरी है, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपको डिवाइड करने की दोबारा कोशिश करेंगे और ये कामयाब हो चुके हैं, अब ये करते रहेंगे, इसको ये रुकने वाले नहीं है। इतना बड़ा षड्यंत्र है ये पूरी दुनिया का आपके खिलाफ, क्योंकि सनातन को खत्म करना है, थर्ड पावर सेंटर बन जाए दुनिया में हिंदुओं का, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारे षड्यंत्र हैं, और आप इस षड्यंत्र में फंस गए और हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अपनी आंखें खोलें इससे पहले कि आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद करवा दी जाए, उनकी तैयारी है और आप अभी भी सोए हुए हो। जय हिंद, वंदे मातरम। हाय देयर, If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.